दोस्तों आज ये हमारे सामने एस का DI-350NG है, इसके बारे में हम जानेंगे इसको। तो प्लीज़ हमारे साथ वीडियो में बन रहे हैं और ये वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों SDI-350NG बहुत ही पावरफुल एंड वेरी अट्रैक्टिव डिज़ाइन है। 350NG बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आता है और बहुत ही प्रभावशाली कार्य करता है। इसके लुक्स देख लीजिए दोस्तों, लुक्स कंफर्ट डिज़ाइन बहुत ही अट्रैक्टिव है SDI-350NG का। सामने से कुछ लुक्स जो है इस प्रकार से है, एनजी का ब्रांडिंग है, एस का लोगो लगा हुआ है और ये बम्पर लगा हुआ है जिससे सेफ्टी बनी रहे, कुछ भी हो तो यहाँ पर मतलब धक्का ना आए, स्क्रैच ना आए और साथ ही साथ ये उठे ना अपना काम करते समय, खिंचाई करते समय, जुताई करते समय, इसलिए जो है बम्पर जो है लगा दिया जाता है। बहुत ही हैवी बम्पर है। हाइलोजन हेडलैम्प मिल जाते हैं दोस्तों, नॉर्मल हाइलोजन हेडलैम्प मिल जाता है। SDI-350NG का टोटल वेट जो है 1930 kg का टोटल जो है ओवरऑल वेट है और व्हील बेस 1960 mm की इसकी व्हील बेस मिल जाती है इसमें। और वहीं लेंथ की बात कर लेते हैं तो 3660 mm की लेंथ है और विड्थ जो है चौड़ाई 1740 mm की विड्थ मिल जाती है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं दोस्तों तो 420 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। वहीं टर्निंग रेडियस जो है 3020 mm में टर्न बड़े आराम से हो जाएगा। बहुत ही पावरफुल पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर है दोस्तों। इधर आ जाएं तो एस का यहाँ पर ब्रांडिंग है, स्टिकर लगा हुआ है, एडवांस हाइड्रोलिक यहाँ पर भी इसका स्टिकर लगा हुआ है। DI-350 की बैजिंग है यहाँ पर और यहाँ पर स्टिकर मिल जाएगा 40 HP BS AAA। फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं दोस्तों तो 55 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें जो है मिल जाता है। लो पे चलने के लिए, हाई पे चलने के लिए ये वाला दिया है, तो ये PTO का दिया है। यहाँ पर जो है टूल बॉक्स भी मिल जाता है और एडजस्टेबल जो है सीट मिल जाता है, बहुत ही आरामदायक सीट है। चलिए देखते हैं। और इधर जो है पानी बॉटल होल्डर मिल जाता है, यहाँ पर बड़े हाई क्वालिटी के जो है चद्दर लगा हुआ है बैठने के लिए यहाँ पर। और इधर जो है गियर मिल जाता है दोस्तों, 8 इसमें जो है 8 फॉरवर्डेड और 2 रिवर्स गियर मिल जाते हैं। एक्सीलेटर का दिया हुआ है, ब्रेक का दिया हुआ है, स्टॉप करने के लिए वाला मिल जाता है दोस्त, हुक मिल जाते हैं। ये हो गया हेडलैम्प का हो गया, बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन में दोस्तों देख सकते हैं, पावरफुल पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर है। और ये 12 वोल्ट की चार्जिंग फैसिलिटी जो है आपको मिल जाती है यहाँ पर। और ये टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं और ये हॉर्न का दिया है दोस्तों यहाँ पर, ये एक्सीलेटर का दिया है। पीछे जो है देख सकते हैं बड़े आराम से यहाँ पर इसको देखने को मिल जाता है दोस्तों। इसके मीटर की बात कर लेते हैं तो इसमें जो है मीटर एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों में मिल जाता है। डिजिटल में कितने हावर चल चुका है, कितना किलोमीटर चल चुका है ये जानकारी दिखाएगा और कितना का स्पीड चल रहा है, मतलब स्पीडोमीटर हो गया, बैटरी का हो गया, फ्यूल टैंक का हो गया, ये जो है एनालॉग में आपको मिल जाएगा देखने के लिए। यहाँ पर दोस्तों कुछ इंडिकेशन है यहाँ पर दिया हुआ है, जो जगह दिया हुआ है ये जो है आपको जो है डिजिटल में देखने को मिल जाएगा, ये यहाँ पर और ये इस तरफ, मतलब लेफ्ट और राइट साइड में जो है दिया हुआ है। तो साइलेंसर लगा हुआ है जो इसके आवाज़ को काफ़ी कम करता है, स्मूथ करता है दोस्तों ये इसकी आवाज़ को साइलेंसर। यहाँ पर भी बैजिंग मिल जाता है, हम नंबर लिखा हुआ है। डीजल फिल्टर का दिया है दोस्तों यहाँ पर, पूरा इसका इंजन का कंजप्शन इस प्रकार से है, बॉस का यहाँ पर इंजन लिखा हुआ है। और इस दोस्तों इसका टायर नंबर की बात कर लेते हैं तो आगे जो है 6-16 मतलब 16 इंच के टायर आगे मिल जाते हैं और 6-28 मतलब 28 इंच के टायर देखने को मिल जाता है। पीछे से लुक्स जो है कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, इसके 34 HP का PTO है और जो 6 स्प्लाइन 540 RPM में पावर जनरेट करता है। और इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों तो 1200 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी है। 3 पॉइंट्स लिंकेज पोजीशन एंड ड्राफ्ट रिस्पॉन्स कंट्रोल। ट्रॉली को जैसे उठाने के लिए दिया हुआ, ट्रॉली फंसाने के लिए दिया हुआ है। थ्रेसर का यहाँ पर आपको मिल जाता है, ये टॉपलिंग के लिए है। तो ये हाइड्रोलिक जो ट्रॉली है उनको जो है उठाने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर सॉकेट मिल जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं इमरजेंसी में। और रिफ्लेक्टर मिल जाता है यहाँ पर दोस्तों, ये लगा हुआ है, इसे आसानी से आप चढ़ सकते हैं उतर सकते हैं। और ये सेफ्टी के रूप में दोस्तों इसको लगा दिया जाता है। और इंडिकेटर, ब्रेक लाइट, रिफ्लेक्टर जो है इसमें देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ये रात के समय काम करने में बहुत ही आवश्यक एसेसरीज होती है, मानी जाती है, होती है दोस्तों, ये भी मिल जाता है।
और दोस्तों इधर आ जाएं तो बैटरी का दिया हुआ है। यहाँ पर बैटरी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 12 वोल्ट 88H की बैटरी है, अल्टरनेटर 12 वोल्ट 35 एम्पियर की। दोस्तों इसमें हाइड्रोलिक फिल्टर दिया हुआ है, यहाँ पर ऑयल फिल्टर पूरी, मतलब बहुत ही ये रहा इंजन के लिए। चलिए अभी विस्तार से जानते हैं दोस्तों। इसका इंजन को देखने के लिए यहाँ पर इसको जो है खींच देंगे आप ऐसे, और इसको जो है उठा देंगे ऐसे, ये पूरा उठ गया। अब चलिए चलिए दोस्तों इसके इंजन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें 2858 सीसी का इंजन है, जो 3 सिलेंडर 40 एचपी का ट्रैक्टर है, और जो 1800 आरपीएम में पावर जनरेट करता है। दोस्तों इसका माइलेज की बात कर लेते हैं, तो माइलेज बहुत ही इकोनॉमिकल होता है। इसका इंजन जो है दोस्तों वाटर कूल्ड इंजन है, और एयर फिल्टर ड्राई टाइप होता है, ड्राई टाइप एयर फिल्टर मिल जाता है, ऑयल इमर्सेड ब्रेक मिल जाता है दोस्तों। इसमें ब्रेक जो है दोस्तों ऑयल इमर्सेड ब्रेक है, बहुत ही पावरफुल इंजन बनाया गया है दोस्तों इसका, SDI 350 का 40 HP का ट्रैक्टर है। ये हाइड्रोलिक लगे हुए हैं दोस्तों, अपने से जो है उड़ जाते हैं। और दोस्तों इसका प्राइस की बात कर लेते हैं, तो प्राइस जो है एक्स शोरूम प्राइस 6,40,000 से स्टार्टिंग प्राइस है, एक्स शोरूम प्राइस MP अनूपपुर में। यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें ये नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं, और यह वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।